हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? केमिकल काइनेटिक्स की। इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, आई थिंक पूरी बात आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। सबसे पहले वाली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और रेट ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, आरहेनियस इक्वेशन क्या होती है और टेम्परेचर पर उसमें कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, वो भी हमने डिटेल से स्टडी कर ली थी। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला और साथ में हमने हाफ टाइम निकालते हुए बहुत सारे एग्जांपल भी उनके किए थे, जो कि मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगते थे नीट के बेसिस पे। आज की जो क्लास है वो किसकी क्या है, वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्लास है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। और इस चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल क्लास की लास्ट टॉपिक भी है, कौन सा, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको। वो क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इजिली का प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो क्या करना है आपको, प्ले स्टोर पर जाना है और इजिली लर्न विद स्माइल नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या है, दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो लॉगिन का और दूसरा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आप पहले से ही सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, मतलब आपने डाउनलोड कर रखा है, तो लॉगिन कर लेना और मान लो अगर न्यू हो तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट करके आपको उसको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही उसको आगे क्या करते हो, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर स्क्रीन मिलती है, क्या है, उसके अंदर नेम मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगी, जेंडर होगा और लोकेशन आपकी जो है और मोबाइल नंबर भी आपको उसके अंदर क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे ही इसे मोबाइल नंबर डालते हैं तो वेरीफाई विद ओटीपी करते हैं, करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिल करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नेक्स्ट स्क्रीन निकल के आ जाएगी, जो क्या है आपके पास कोर्सेज को दिखाएगी। जैसे कि यहाँ कौन कौन से कोर्स आ जाते हैं, IIT, GE, नीट, बैंक और SSC तैयारी करवाई जाती है। इसके अंदर जो भी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं वो कौन सी किसकी चल रही है, CBSE की, उदय बेच, शिखर बेच, प्रारंभ और टॉपर बेच चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो जो अभी साइंस की बात करता हूँ, तो साइंस में प्रारंभ बेच 11th क्लास के लिए और टॉपर के लिए, और जो 12th क्लास के लिए टॉपर बेच चल रहा है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ इसी फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्या होता है, इसकी फीस कितनी है, 8,999। लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालते हो, कूपन कोड फ्री इजिली नाम से, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और इसके अंदर अप्रोक्स 2000 से ज्यादा वीडियो उसके अंदर मिल जाते हैं। चले बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि टॉपिक क्या है अपना, जो मेन टॉपिक है वो है अपना कोलिजन थ्योरी और साथ में इसका रिलेशन भी पढ़ेंगे। रिलेशन किसके साथ, कोलिजन थ्योरी और आरहेनियस इक्वेशन के बीच की बात करता हूं। जब मैं इसके अंदर बात करता हूं, देखो क्या है, पहले कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करना चाहता हूं। तो क्या होता है कोलिजन थ्योरी, बोलता है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ रिएक्शन टू अकर इज दैट द रिएक्टिंग स्पीसीज एटम मॉलिक्यूल और आयन मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। मतलब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट के जो एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, वो आपस में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। अब कोलिजन क्यों होना चाहिए, क्योंकि सभी को मतलब कोई भी रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो मिनिमम एनर्जी कहां से मिलेगी उसको, जब वो आपस में कोलिजन टकराएंगे। तो जब आपस में कोलिजन करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होती है, एक मतलब मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होती है। उस मिनिमम एनर्जी क्या बोलते हैं, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। चलते हैं आगे, दिस इज ऑल्सो द बेसिक बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। और ये किस पे बेस्ड होता है, कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड ही होता है। आगे चलें, दिस थ्योरी गिवन बाय मैक्स ट्रॉड्स और विलियम लुइस। मतलब किस पे बेस्ड होता है ये थ्योरी, जो थ्योरी थी किसने दी थी, मैक्स ट्रॉड्स ने और विलियम लुइस साइंटिस्ट ने दी थी। चले आगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी अ हार्ड स्फीयर। मतलब इस थ्योरी के अंदर जितने भी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको क्या मान लेता है, हार्ड स्फीयर मान लेते हैं। वो हार्ड स्फीयर आपस में टकराएंगे तो उनमें क्या होगी, एनर्जी क्या होगा, एक्सचेंज होता है और एनर्जी क्या होती है, उनकी बढ़ने लगती है। आगे चलें, एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। जब रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, टकराएंगे या कोलिजन करेंगे। जब कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया। आगे चलें, द नंबर ऑफ कोलिजन दे टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक फिक्स मतलब क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेकेंड के अंदर जितने मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जितनी क्या होता है कोलिजन करता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये आई थिंक पूरी बात आपने अच्छे से समझ ली होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखो क्या है इसमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नॉर्मली वेरी हाई। मतलब जनरल कंडीशन में अगर बात करना चाहता हूं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी
अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करना चाह रहा हूं, देखो क्या होता है, तो क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जनरली तो हाई होती है, क्या होती है जनरली हाई होती है। एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूं, जैसे कि अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा हूं, दो कंडीशन होती है एनटीपी और एसटीपी। यहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल एनटीपी की बात कर रहा हूं। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, इन ए गैसीय सिस्टम, गैसीय सिस्टम के अंदर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइनरी कोलिजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना होता है 10^25 से लेकर 10^28 इतने कोलिजन क्या होता है पर सेकंड होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आपस में। इतने मॉलिक्यूल आपस में जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे पर सेकंड में, बात कर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। आगे, इफ ऑल द कंडीशन आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, अगर मान लो सारी की सारी कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जितना भी रिएक्टेंट मेरे पास है वो सारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन मस्ट be completed in a very short time। तो क्या होता है, बहुत कम टाइम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, द कोलिजन विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। ध्यान रहे ये चीज क्या है, देखो माना कि मेरे पास क्या है रिएक्टेंट के 50 क्या है स्पीयर, मान लो क्या है मेरे पास रिएक्टेंट के 50 स्पीयर है, वो 50 स्पीयर की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो उसमें से मान लो सपोज करो 40 स्पीयर क्या है आपस में कोलिजन करके और इतनी एनर्जी उन्होंने गेन कर ली कि वो प्रोडक्ट बनाने के काबिल हो जाए। मान लो हिंदी बोलता हूं, क्या बोलेंगे उसको, कि मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उनको बोलते हैं, उनको उनकी कोलिजन क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ऐसी कोलिजन जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई, चलते हैं आगे, चले आगे देखो, चले आगे देखो इधर, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मतलब रूल्स बोल दो, नियम बोल दो, या कुछ भी हम क्या करते हैं उसकी कुछ परिकल्पनाएं बोल दो, या पोस्टुलेट्स बोल दो, या हाइपोथेसिस बोल दो, कुछ भी बोलो, तो इसकी पोस्टुलेट्स हैं, आपको इन पोस्टुलेट्स को याद रखना है। कितनी है, 8 पोस्टुलेट्स हैं। अगर आपने अच्छे से इन पोस्टुलेट्स को पढ़ा है तो कोलिजन थ्योरी कभी भी आपकी रॉन्ग नहीं होगी। चलते हैं पहली पोस्टुलेट, क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस कैन अकर ओनली अपॉन कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो इधर, कोई भी केमिकल रिएक्शन तब कंप्लीट होगी जब उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे। पहली पोस्टुलेट तो ये बोलती है, क्या बोली, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करेंगे तो ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। चल दूसरा क्या बोलता है, हाउएवर ऑल द कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, otherwise all the reaction could occur within a fraction of second since there are million of collision possible। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है लाइन का, कि सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था 50 स्पीयर वाला रिएक्टेंट के, मान लो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है, 50 मॉलिक्यूल है, उसमें से वही क्या होगा प्रोडक्ट बनाएंगे वो रिएक्टेंट ही, जो क्या करेंगे इफेक्टिव कोलिजन के अंतर्गत आएंगे। अगर उनका इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, मतलब उन स्पीयर की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा नहीं हुई, तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। इसलिए सारे के सारे कोलिजन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ क्या होते हैं अनवांटेड भी होते हैं। तो जिसकी मतलब सिंपल सी बात करूंगा, क्या होगा, अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। चले तीसरे पे, Only those collision taking place between molecules in proper orientation and possessing certain minimum amount of energy can lead to the formation of product। क्या होता है, ध्यान रहे क्या है important, जैसे ही मान लो collision कर रहे हैं, तो collision करने में एक तो होता है, मान लो collision मतलब क्या होता है, टक्कर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, टक्कर बोलते हैं। अगर एक तो होता है फ्रंट टू फ्रंट और एक होता है साइड टक्कर, अगर फ्रंट टू फ्रंट हो रही है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, तो वो क्या होता है उसको इफेक्ट मतलब इफेक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर साइड से होगा तो इफेक्टिव कम होता है। अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी की, बात करता हूँ फोर व्हीलर की, तो उसमें क्या ज्यादा नुकसान होता है, वो नुकसान हमें वहां कंसिडर नहीं करना, हमें क्या करना है अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव करते कोलिजन चाहिए। तो हमें जैसे मान को एग्जांपल ले लो, मेरे पास माना कि सपोज एक दोबारा बता रहा हूं, ये मेरे पास एक बस है, ये मेरे पास एक क्या है दूसरी बस है, अगर ये सामने से एक दूसरे के सामने आ रही है, फिर करते हैं कोलिजन कर रहे हैं, तो ये है ओरिएंटेशन,
इस ओरिएंटेशन का एक एग्जांपल भी है मेरे पास बहुत अच्छा, वो एग्जांपल देखो आप क्या है, देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो यहां पे कंसंट्रेशन लो है, मान लो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो कोलिजन कम होगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एटम है या जो आयन है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्या होता है उनका अमाउंट भी बढ़ जाती है, जब अमाउंट बढ़ेगी तो कोलिजन क्या होगा, पास पास में आने की वजह से ज्यादा क्या होती है, कोलिजन होती है और प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा बनता है। आगे इधर बात करता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल देखो समझो अच्छे से, ये एग्जांपल क्या बोल रहा है कि यहां पे कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है, फिर यहां ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये यहां पे कोलाइड करता है तो रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये जो ऑक्सीजन है वो कहां अटैच होती है, कार्बन पर अटैच होती है, ना कि ऑक्सीजन पर अटैच होती है, तो मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा मान लो ये वाला एग्जांपल है, इधर लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, इधर लिख दिया मैंने कार्बन और इधर लिख दिया मैंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्या अब ये कोलिजन यहां करेगी तो ये कार्बन पर जुड़ सकती है, हाँ जुड़ सकती है, तो जब जुड़ने की कंडीशन में आ जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 फॉर्मेशन होती है। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, देखो दो एक वर्ड आ रहा है यहां पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या होता है, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल टू यील्ड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ गया आपको, और आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर प्रोडक्ट में चेंज होना चाहता है तो उसको इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा, मतलब उस मिनिमम एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। चले आगे की ओर, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, एवरेज एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एवरेज एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडर एसटीपी कंडीशन इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी। मान लो मैंने भी एग्जांपल लिया था 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, तो 50 मतलब उस एक मॉलिक्यूल है, या मतलब मेरे पास क्या है 50 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो टोटल एनर्जी होगी उसको बोलते हैं हम एवरेज एनर्जी। दूसरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। वापस बात करता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सिंपल सी, एक वापस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मान लो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब दूसरा कौन सा आ गया, एक एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी में से कौन सी एवरेज एनर्जी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, प्रोवाइड करती है, जो क्या होती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसकी क्या होती है, इक्वल भी हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, देखो यहां पे क्या है, सम मॉलिक्यूल विल गेट एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन एंड आर कॉल्ड एज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। इसमें से जो मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कोलिजन कर रहे हैं, रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो जब वो कोलिजन करेंगे तो कुछ की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और कुछ की एनर्जी क्या होगी, उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनको मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ध्यान रहे इस चीज का, क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और इनको किससे नोट करते हैं हम, स्टार से नोट करते हैं ऐसे लिख के, ठीक है। देखो आगे, द कोलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एक्टिवेटेड कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन। सिंपल सी बात, अगर वापस आवाज करता हूं, द कोलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, अगर कोलिजन होती है वापस किसके बीच में, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, या उसको एक्टिवेटेड कोलिजन बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल कोलिजन बोलते हैं। द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द एक्टिवेटेड कोलिजन, जब एक्टिवेटेड कोलिजन होगा तो ही क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। एक्टिवेटेड मींस क्या होता है, जब उनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए या क्या होता है, उससे ज्यादा हो जाती है।
आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो सपोज मेरे पास क्या है, टू रिएक्टेंट है ए और ए, ठीक है, दो रिएक्टेंट है मेरे पास, कौन से, ए और ए। जब आपस में कोलिजन करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन इन बढ़ी हुई एनर्जी क्या लिख दिया अपन ने, ए स्टार लिख दिया। और ये कौन सा हो गया, बिना किसी मतलब इसकी एनर्जी क्या रहेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रहेगी, इसको क्या लिख दिया अपने, सिंपल ए। तो ये कौन सा हो गया, नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो गया। ये कौन सा हो गया, इफेक्टिव कोलिजन, जिसमें क्या हो गया अपने पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई या इक्वल हो गई। अब ये आपस में मान लो ऐसे बहुत सारे बने होंगे, तो सपोज ऐसे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आपस में वापस कोलिजन करेंगे तो ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनता है। इस कोलिजन को बोलते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन। फिर क्या होता है, ए क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूल होता है, और ए स्टार क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। पास में आगे आपको डिटेल से बहुत अच्छे से आगे होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो इधर आगे समझे, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या होता है, मान लो कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से कुछ ही एक्टिवेटेड होते हैं, बाकी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल नहीं होते। चले आगे, therefore the effective collision constitute a small fraction of a total collision। जितनी भी टक्करें होती है, collision होती है, उसका बहुत ही कम क्या होता है, effective collision होती है। इसलिए पूरा reactant product में change कभी नहीं होता है। आगे चलें। Hence all the chemical reaction do not occur in a fraction of a second। मतलब इसलिए क्या होता है, एक सेकंड के अंदर पूरा चेंज नहीं होता, धीरे 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 क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती जाती है। आगे की ओर, और आगे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखा अपने, ईए, और बैकवर्ड को क्या लिखा अपने, ईए डेज लिख दिया। कैन बी शोन ग्राफिकली इज, देखो मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, देखो दो ग्राफ है, एक तो ग्राफ किसका है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और दूसरा किसका है मेरे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्या है, ग्राफ है मेरे पास। ध्यान रहे एक चीज आपको बता दूं, ये वाला जो एनर्जी बैरियर है इसको तो बोलते हैं हम क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिख देता हूं इसको, क्या बोला इसको हमने, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सेम थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही ये भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं डिटेल से। अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, यहां पे डिनोट किसको कर रहा है, रिएक्टेंट को, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट को। ये रिएक्टेंट ये क्या हो गया यहां पे, प्रोडक्ट। तो जब भी अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ये बनता है, और अगर एंडोथर्मिक की बात करता हूं तो ग्राफ मेरे पास ये वाला बनता है। एक और चीज, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी डिनोट कर दिया हमने, आगे चलता हूं, ये देखो यहां पे ये वाली चीज, इसको क्या बोला हमने, इसको बोल दिया हमने एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन की एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी बात करता हूं, तो उसको बोल दिया हमने ईए, ई मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ईए डेज क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक आपने अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या होती है रिएक्शन की, हमेशा इक्वल रहती है। तो जैसे देखो इधर, अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो ऐसे कैसे बिहेव करेगी, एक्सोथर्मिक की तरह, लेकिन अगर मैं इस साइड से साइड आऊंगा ऐसे बिहेव करेगी, एंडोथर्मिक की तरह बिहेव करता है। सेम कंडीशन यहां पे, ये अभी एंडोथर्मिक की तरह, इधर से इधर आऊंगा तो एक्सोथर्मिक की तरह बिहेव करती है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, या मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब वहां एनर्जी हमें क्या होती है, ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो चलते हैं आगे की ओर, देखो क्या है अगला। देखो अब यहां पर कुछ बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड क्या है देखो एक बार, देखो क्या लिखा हुआ, वेयर ईआर मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात करता है। ईपी मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ईटी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ईडीएस क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा एच क्या होता है, दोनों में चेंज मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं। देखो ये तो हो गया डेल्टा एच, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कौन कितनी एनर्जी चेंज हुई इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला। ये क्या हो गया, यहां पर लिख दिया आर, तो ये क्या हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी, क्या हो गया इसका प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। ठीक, ये मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या किसकी हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन, या एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लेता हूं। उधर क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं।
ठीक, तो चलते हैं आगे। इसके अंदर इतना ही पढ़ना अपने को, ज्यादा डिटेल नहीं देना इसके अंदर। देखो इधर, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ईए इज लेस देन द बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रहे कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिंपल सा डायरेक्ट आपको क्या मिल सकता है, ऑप्शन मिल जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी ऑफ मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो क्या लिखोगे आप, एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि अगर एंडोथर्मिक की बात करना चाहूं तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है, बैकवर्ड की तुलना में ज्यादा होती है। चले आगे, द एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स विच आर ब्रेकिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगी कि इसमें केमिकल बॉन्ड्स किस टाइप के हैं। तो अगर किस जिस टाइप के बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने में उतनी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा लगती है। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड ग्रेटर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्ग टाइप का है तो उसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है वहां पे, ज्यादा होती है। आगे चले, हाउएवर इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इसलिए क्या होता है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, और एंथैल्पी क्या होती है। चलते हैं आगे की ओर, क्या है देखो, देखो ये रिलेशन जो बात करना दिख रहा है आपको, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर यूनिट टाइम जेड फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज रिएक्शन ए एंड बी इज गिवन बाय। मतलब क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, दो सिमिलर टाइप के एटम हैं। जैसे कि मान के चलो मेरे पास एटम कोई सा ले लो, तो मान लो सोडियम एटम ले लिए, दोनों कैसे हैं, सिमिलर टाइप के हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करना चाहता हूं तो इसके लिए क्या होता है, कोलिजन। तो जेड किसको निर्णय कर रहा है, कोलिजन को निर्णय कर रहा है, ठीक है, कोलिजन। अगर मैं बात करता हूं कोलिजन के, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। क्या होता है फॉर्मूला, जेड इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर ए बी अंडर रूट 8 के टी अपॉन पाई म्यू एन ए एंड एन बी एन ए एंड एन बी। चले आगे देखो इधर, एन ए और एन बी के बारे में मत करता हूं। सिग्मा ए बी क्या होता है, कोलिजन डायमीटर होता है। आगे म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। एन ए एन बी क्या होता है, आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी इन यूनिट वॉल्यूम। द वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना होता है, 10^25 से 10^28 इन केस ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि गैसेज मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर बाइनरी मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10^25 से लेकर 10^28 तक होती है। यहां तक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, जेड इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर ए बी अंडर रूट के 8 के टी अपॉन क्या होता है, पाई म्यू इंटू एन ए एन बी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो क्या है यहां पे, देखो इधर, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा बढ़ेगी। आगे, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल, साथ साथ अगर गैसेज मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी एवरेज जो कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो मतलब यहां से क्वेश्चन क्या बना कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है किस पर डिपेंड करती है, एक तो करती है एवरेज वेलोसिटी पर, दूसरा कंसंट्रेशन पर, और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल के ऊपर। तीन चीज हमने यहां से डिस्कस कर ली, आगे चलते हैं। ऑल्सो नोट दैट ग्रेटर द कोलिजन डायमीटर ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। मतलब अगर उनका डायमीटर बड़ा होगा मॉलिक्यूल्स का, मतलब साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर बड़ा होगा तो उनका कोलिजन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, उनका कोलिजन भी ज्यादा होता है। कैसे समझ, कैसे बताओ, देखिए कैसे, एक एग्जांपल की बात करता हूं। सपोज मैंने क्या कर दिया, एक इतना बड़ा मैंने क्या कर दिया, मान लो ट्रक चल रहा है, मान लो ट्रक चल रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आसपास मतलब इतना इतना ज्यादा क्या हो गया, धुआं हो गया, मतलब स्मोक हो गई आसपास कि हमें आगे वाली गाड़ी नहीं दिख रही, हमें ट्रक भी नहीं दिख रहा है। मान लो पीछे से क्या आ गई, मान लो यहां पे एक बाइक, दो बाइक, तीन बाइक और चार बाइक आ गई,
वो ट्रक इतना बड़ा है कि चारों के चारों बाइक उसमें क्या होगी, कोलाइड कर गई। तो अगर डायमीटर बढ़ेगा तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे, अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, देखो जेड प्रोपोर्शनल एवरेज वेलोसिटी, जेड प्रोपोर्शनल नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जेड प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और जेड प्रोपोर्शनल सिग्मा ए बी स्क्वायर। ध्यान रहे कोलिजन किस किस से डिपेंड करता है, इन चारों पे डिपेंड करता है। तो ये भी आपको अलग से ही लिख लेना है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई थिंक मेरी बात समझ आ गई। चलते हैं आगे, देखो क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, hence the rate of reaction is directly proportional to the collision frequency. कि rate of reaction जो होती है किसके proportional हो गई, collision frequency. अगर collision frequency किसी reaction के अंदर molecule की जितनी ज्यादा होती है तो उसकी rate of reaction उतनी क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाएगी। I think पूरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, देखो आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो यहां क्या क्या है, The रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेट के, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट और क्या है टेम्परेचर टी एंड एक्टिवेशन एनर्जी ई कैन बी गिवन बाय आरएनए इक्वेशन एज फॉलो। मतलब क्या गया, रिलेशन आ गया, हमने पढ़ा कि क्या होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। ये क्या है, ये है हमारे पास आरएनए इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसको किस रूप में लिखना चाहूं, मैं इसको लिखना चाहूं कैसे, अपने फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन करते हुए, तो क्या जाएगा फॉर्मूला अपने पास, के इक्वल टू पी इंटू जेड, पी इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी होता है। देखो क्या होता है, के होता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट, साथ में पी जेड क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फ्रीक्वेंसी जेड क्या हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ स्टडी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर हो गया। और आगे या क्या है, टी यानी क्या हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां पे आर क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, ई ए क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, और यहां पे हो गया मेरे पास जेड क्या हो गया नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर यूनिट टाइम हो गया, पी जेड क्या हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, या उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, स्टडी फैक्टर भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर भी उसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आरएनएस इक्वेशन और साथ में ये इसका रिलेशन के साथ कोलिजन के साथ में। आई थिंक पूरी बात क्लियर हो गई। चले आगे की और क्या है, देखो आगे, देखो इट इज क्लियर दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। की मतलब, इसका कहने का मतलब यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसे प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी तो उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उतनी कम, उतना कम एनर्जी इसके साथ वो क्या करेगा, जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, दो रिलेशन पढ़ लिया क्या अपने, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिवेशन एनर्जी की, पहला। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है वो किसके, किससे रिलेट हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल किस शेप में है और किस साइड से उसके अंदर कोलिजन हो रहा है। इट इज नेसेसरी फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल टू बी प्रॉपरली ओरिएंटेड इन स्पेस टू गिव प्रोडक्ट। मतलब जैसे मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जांपल, अगर कोई मॉलिक्यूल उसमें ओरिएंटेशन उसका सही अच्छे से है तो प्रोडक्ट क्या हो गया, जल्दी बनेगा और इजिली बन जाता है। आगे, फॉर सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज हायर देन दैट ऑर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर मॉलिक्यूल। मतलब छोटा अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है कंपैरिजन किसके, कॉम्प्लेक्स और बड़े मॉलिक्यूल की तुलना में। चले आगे, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन इज ग्रेटर इन केस ऑफ सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल, मोर एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द लेटर सेक्शन। मतलब क्या दिया हुआ है, छोटा अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर ओरिएंटेशन क्या होता है, ज्यादा होता है और अच्छे से किया जाता है, जबकि बड़े में ओरिएंटेशन अच्छे से नहीं हो सकता। तो ये था अपना टॉपिक, कौन सा, कोलिजन थ्योरी। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने इस कोलिजन थ्योरी के साथ चैप्टर फिनिश कर लिया है। यहां जो टॉपिक नाम लिखा हुआ है कौन सा है, रिकॉल कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं दोबारा यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, डिटेल से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा ताकि अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए देखिए पहले बात करते हैं क्या होता है। देखो देखो रिकॉल कॉन्सेप्ट मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी। इसके रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो उसका फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता था उसका, मतलब रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी के ए की पावर
ए की पावर एन वन, बी की पावर एन टू। इसका हमने क्या निकाला, एक तो हमने यहां से के की यूनिट निकाल दी थी सबके लिए, रिएक्शन के लिए निकालना सीख लिया था। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रेट कॉन्स्टेंट पढ़ा। रेट कॉन्स्टेंट पढ़ लिया, रेट कॉन्स्टेंट हमने के के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, स्टडी कर ली। थर्ड हमने पढ़ा कौन सा, इसके अंदर हमने पढ़ा इसके अंदर आगे आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन पढ़ ली। फोर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, फोर्थ हमने पढ़ा इसके अंदर हमने डिटेल से स्टडी कर, मैं डिटेल से बात कर रहा हूं। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया इसके ऊपर, साथ में क्या पढ़ लिया, रिलेशन भी पढ़ लिया टेम्परेचर के साथ, अलग अलग टेम्परेचर पर रिलेशन पढ़ लिया हमने इसके अंदर। और हमने जो पढ़ा गया नेक्स्ट कौन सा था, हमने मोलिकुलरिटी था अपने पास, क्या पढ़ा इसके अंदर हमने, मोलिकुलरिटी पढ़ ली। मोलिकुलरिटी क्या होती है, आपको पता है कि जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसके नंबर को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, न्यूमेरिकल हमने कर लिया। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरा पता चले कि हमने एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ा, एक तो जीरो पढ़ लिया, हाँ एक फर्स्ट पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, और साथ में कौन सा पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया। साथ में सबका सबका हमने क्या पढ़ लिया, हाफ टाइम पढ़ लिया सबका, और साथ में हमने कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। और ध्यान रहे न्यूमेरिकल के साथ साथ लास्ट में इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो आराम से तो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, कोलिजन थ्योरी पढ़ी। नीट के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू मी बोथ है, ज्यादा डीपली नहीं जाना क्योंकि बहुत कुछ मैटर है, मैटर बहुत कुछ होने से मतलब नहीं है। हमें बेटर पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें वो एक कहावत आपने सुनी होगी, गागर में सागर भरना, तो छोटे से में बहुत कुछ पढ़ लेना ही क्या है, प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन लेके जाता है। हाँ अगर आपको देखो थ्योरी सब जगह सेम है, आप मान लो कोई भी किताब उठा के देखोगे या बुक उठा के देखोगे तो उसमें थ्योरी सब जगह सेम है, थ्योरी में कोई चेंज नहीं, जैसे जो डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन आप डिपेंड किस पे हो, आपको डिपेंड किस पे होना चाहिए, आपको डिपेंड होना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने निकालते हो। जितना प्रैक्टिस आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करोगे उतना बेस आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और आई थिंक कभी दिक्कत भी नहीं आएगी। आप आज से लेकर नीट के पीवाईक्यू बहुत सारे जितने मान लो 2023 से लेकर आप बेक में चल जाओ 2000 तक, तो वहां तक आप करते हो प्रैक्टिस, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमें पहले वाला बेस लेके आज का मॉडर्न बेस दोनों को मिक्स करते हुए सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। जितना आप निकालोगे उतना आपका बेस क्लियर होगा, और आपका कंटेंट उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। तो चलते हैं आज क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आज का अपना यहीं पर क्या करता है, फिनिश हो जाता है। और मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपको पता है कौन सी रहेगी, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, जो कुछ मैंने जो मेरे को सही लगा वो इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल ले लिए हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला तो मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर इंक्लूड और कर लिया अलग से। तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, देखने के लिए थैंक यू, बाय।